हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि वी का इंटरनेट आपका काम नहीं कर रहा है रिचार्ज करने के बाद, तो क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व करें। इस वीडियो में फ्रेंड्स 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी, तो आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर फ्रेंड्स आपने 1 महीने का रिचार्ज किया है या आपने सिर्फ डाटा पैक कराया है तभी भी आपका रिचार्ज काम नहीं करता है, तो वो आपको बताऊँगा, पूरा ट्रिक बताने वाला आपको। फ्रेंड्स ये वीडियो को लास्ट तक का देखना है और यहाँ मैं आपको 2 पार्ट में बताने वाला हूँ। तो गाइज, हमें ये प्रॉब्लम 2 तरीके से आती है। एक तो हमारे मोबाइल में से आ जाती है प्रॉब्लम, और एक फ्रेंड्स हमारे जो वी के फ्रेंड्स सर्वर रहता है वहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो दोनों जगह से सॉल्व करके गाइज, सबसे पहले हम फ्रेंड्स कस्टमर केयर से प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स जब वो बोलते हैं हाँ इधर से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपने मोबाइल से सॉल्व करना पड़ता है। दोनों बताऊंगा आपको, तो पूरा देखना आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी हम जानते हैं क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको जीमेल में जाना है और यहाँ कंपोज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है नीचे पेंसिल के आइकॉन पे, और यहाँ हमें 2 सब्जेक्ट को कंपोज ईमेल दिखता है, तो कंपोज ईमेल में आपको डियर सर मैडम लिख लेना है। तो सिर्फ आपको पहले इतना लिखना है, डियर सर मैडम। पूरा फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ, कंप्लेंट कैसा करना है। तो गाइस, ये जैसे आप कंप्लेंट करते हो वो देखते उनको चेक करते आपके नंबर से, उसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है गाइज वो सॉल्व कर देंगे। तो हमें जैसा मैं बताऊंगा अभी वैसा लिखना आपको, तो आपका ये प्रॉब्लम अगर उधर से प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा, अगर मोबाइल से है तो वो भी आपको बताने वाला हो, दोनों बताऊंगा आपको। तो गाइज, अभी हमको सबसे पहले नाम लिखना है, हमारा पूरा नाम, जिस नंबर का आपका फ्रेंड्स नहीं चल रहा उसमें कौन से किसके नाम पर रजिस्टर है वो नाम लिखना है। और अब हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो मोबाइल नंबर पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा वो मोबाइल नंबर यहाँ लिख लेना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 1-2 लाइन छोड़ना है और यहाँ आपको कंप्लेंट लिखना है, आपको आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो अभी लिखना है। तो चलिए अभी हम लिखेंगे, वैसे आपको सेम टू सेम देख के लिखना है, और नाम और नंबर भी आपका फ्रेंड्स चेक कर लेना है, गलत नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी हमको ऐसा लिखना है, माय वी सिम इंटरनेट नॉट वर्किंग, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसा आपको लिखना है, माय वी सिम रिचार्ज डन। तो गाइज ऐसा भी लिख सकते हैं आप, माय वी सिम रिचार्ज डन बट इंटरनेट नॉट वर्किंग, तो समझ जाइए गाइज, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो समझ जाइएगा आपने रिचार्ज कराया तो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो दोनों में जो आपको लिखना है लिखिए, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये भी देख के लिख सकते हो, माय वी सिम रिचार्ज डन बट इंटरनेट नॉट वर्किंग, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसके बाद आपको थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स लिख लेना है गाइज, और ऊपर सब्जेक्ट की लाइन में लिखेंगे, जिससे मैं बताता हूँ उसे सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो इंटरनेट नॉट वर्किंग। और इसके बाद आपको ये जो वी का कस्टमर केयर का ईमेल आईडी गाइस, वो आपको उनके वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या आप उनसे कस्टमर केयर से बात करके ले सकते हैं, बाकी कहीं से भी आपको ये ईमेल आईडी नहीं लेना है इंटरनेट पे से, बहुत फेक रहती गाइस, आपके साथ स्पैम हो जाएगा। इसके लिए आपको कभी भी कस्टमर केयर या ऑफिशियल वेबसाइट या फ्रेंड्स खुद से आपको ऑफिशियल ऐप पे जाके लेना है, बाकी किधर से भी नहीं। तो आपको सेंड कर देना, तो मैंने सेंड कर चुका हूँ, इतना करना है। तो गाइज़ अब आपको मैं दूसरा आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके मोबाइल में से प्रॉब्लम है गाइज़ तो कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ से तो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो गाइज़ आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ देखिए ऐप मैनेजमेंट दिख रहा है, ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है गाइज़, आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ हमारा ऐप अब लोडिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो देखिए आपको ऐसा ईमेल आ जाएगा कस्टमर केयर की तरफ से, ये कॉन्फर्मेशन ऐसे ईमेल है फ्रेंड्स, हमारा ईमेल जब पहुँच जाता है तो ये आता है। तो चलिए अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, अभी आपको दिखे 2 डॉट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करके शो सिस्टम ऐसा दिखेगा, इस पर क्लिक करना तो हमारे सिस्टम ऐप में आ गए। अगर आप वीवो ओप्पो का यूज़ कर रहे हो तो गाइज वहाँ आपका डिफ़ॉल्ट ऐप या कोई होगा सिस्टम ऐप का, तो उसमें आप जा सकते हो। तो गाइज आपको यहाँ ई के लिस्ट में जाना है, ई के लिस्ट में एक इंजीनियर नेटवर्क नाम के एक सिस्टम ऐप है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ई के लिस्ट में हम देख लेते हैं गाइज, यहाँ हमारा इंजीनियर नेटवर्क दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ नेटवर्क नाम का भी ऐप होगा। तो चलेगा फ्रेंड्स, हर एक मॉडल में मोबाइल के अलग अलग होता है, तो आपको सेम टू सेम कर सकते हो। स्टोरेज यूसेज में जाना है, इसका क्लियर डाटा कर लेना है, क्लियर कैच कर लेना। तो गाइज ये हम क्यों करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इसका डाटा क्या होगा, तो गाइज ये सब हमारे नेटवर्क के रिलेटेड है, इंटरनेट से जॉइंट है नेटवर्क से,
तो इस वजह इसमें एरर आने की वजह से भी हमारा इंटरनेट स्लो चल जाता है, कभी कभी चलता ही नहीं है। तो इस वजह से सबको हमको फिर से क्लियर करके पूरा रीसेट करना होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यह हमारा नेटवर्क हेल्थ सर्विस आता है, इनकी लिस्ट में आपको ये देखने के लिए मिलता है। इस पर भी आपको क्लिक करना और इसका फ्रेंड्स क्लियर कैच करना, सिर्फ क्लियर कैच करो, क्लियर डाटा आप नहीं कर सकते फ्रेंड्स, वो डिसेबल होता है। और उसके बाद गाइज हमें फिर नीचे जाना है और यहाँ आपको फ़ोन सर्विस करके दिख रहा है गाइस, फ़ोन सर्विस, इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। तो गाइस ये सब आपको क्लियर कर लेना, जितना भी लिंक है फ्रेंड्स आपके इंटरनेट से सबको आपको ये क्लियर करना। अब आपको सिम कार्ड ऐप होगा फ्रेंड्स, सिम कार्ड ऐप या आपके उसमें सिम टूल नाम का होता है वीवो ओप्पो में, तो उसमें आप जा सकते हो। तो ये सिम कार्ड ऐप दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। तो वीवो ओप्पो यूज़ कर रहे हो आपको दूसरा करेगा, इसमें सिम टूल होएगा फ्रेंड्स और इसके अंदर आपका सिम कार्ड ऐप दिख रहा है, तो इसको भी क्लियर डाटा कर लेना, क्लियर कैच कर लेना, दोनों कर लेना गाइज आपको। और फोर स्टॉप करना है तो बैक जाके फोर स्टॉप भी कर लेना। तो गाइज अब हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपको लास्ट स्टेप बताने वाला जो करना है, सर्च बार में जाना है आपको सेटिंग के, और यहाँ आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो गाइज ये हमारा रीसेट नेटवर्क सेटिंग आ गया सर्च करने के बाद। इसके बाद फिर से एक बार क्लिक करना, लॉक डालना है आपको अपना। लॉक डालने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग इधर नीचे दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। रेड में जो आपको नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो हमारा ये रीसेटिंग हो रहा है। तो जितना भी हमारा ऊपर का फ्रेंड्स नेटवर्क रीसेट है वो रीसेट हो जाता है, हमने सिस्टम में से भी कर दिया रीसेट, और जो फ्रेंड्स हमारा अपर नेटवर्क है उसको भी कर दिया। तो दोनों जगह से आपको ऐसा करना है, जो आपका प्रॉब्लम है गाइज वो सॉल्व हो जाता है। सिर्फ अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देना या रिस्टार्ट भी कर सकते हो, और आपका डाटा चेक कर लेना गाइज आपका, और उसके बाद आपको यूज़ करना है। तो गाइज आपको दोनों स्टेप बताए वो करना है, आपको कस्टमर केयर से भी उधर बात करना है स्टार्टिंग में। आप चाहो तो उनको वी के कस्टमर केयर को भी कॉल लगा सकते हो, अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते हो तो कॉल करके भी बात कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो में